So hello everyone. So today's question is on BJT amplifier. You are given a circuit here and you have to find the value of voltage gain. You consider early voltage to be infinity and all the transistor are identical. Okay, आप सोल्व कर लीजिए. मैं इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूँ. ऑप्शन ए है -1/n और ऑप्शन बी है माइनस. तो बताओ आपने सोल्व किया होगा तो आपका हो सकता है ये आंसर आया और हो सकता है ये आंसर आया. तो ये वाला आंसर रॉन्ग है, ये वाला आंसर सही है. बहुत सारे लोगों का ये आंसर आया होगा. चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं. देखो अगर ये आंसर आया है तो इसमें मिस्टेक देखो क्या हुई होगी. अगर अपने डीसी एनालिसिस करते हैं, देखो इसके अंदर मैं कंसिडर करता हूँ आई ई करंट, इसमें भी आई ई करंट और इन सब में आई ई करंट जाएगी. डीसी कर रहे हैं तो सॉरी कैपिटल लिखना पड़ेगा, कैपिटल आई ई, कैपिटल आई ई, कैपिटल आई. देखो फिर इसके अंदर कितनी करंट जाएगी, एन आई. तो इसके लिए अगर आर ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपनी आर ई, तो क्या आएगा, वी टी अपॉन एन आई, आर ई डैश बोल देता हूँ इसको. और इसके लिए अगर अपने आर ई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आता है वी टी अपॉन आई. तो आर ई डैश की वैल्यू क्या आई, आर ई बाई एन. तो यहाँ पे आप लोगों से गलती हुई होगी, आपने इसको आर ई लिख लिया होगा. ठीक है, अब डीसी एनालिसिस कर लिया अपन ने, अब अपन को एसी एनालिसिस करना है. तो एक बार मैं ट्रांजिस्टर Q1 का आपको स्मॉल सिग्नल मॉडल बना के बता देता हूँ. ठीक है, तो देखो ये ट्रांजिस्टर Q1 है. अब जब एसी एनालिसिस करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा. ठीक है, वो फिर टी मॉडल इसका ड्रॉ करें अपने. देखो यहाँ पे अल्फा ई करंट, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड हो गया और यहाँ पे आर ई रेजिस्टेंस आ गया. तो ऐसे ही सभी ट्रांजिस्टर का स्मॉल सिग्नल मॉडल बनेगा. और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज कनेक्ट हो सकती है, अपने क्वेश्चन में यहाँ पे वी नॉट कनेक्टेड है. ठीक है, तो ऐसे ही सभी का स्मॉल सिग्नल मॉडल बन जाएगा. ठीक है, तो देखो ये सर्किट बन गया होगा. ये ट्रांजिस्टर Q1 था, ये Q2 था, ये सारे Qn थे और यहाँ पे ये नीचे वाला ट्रांजिस्टर था, यहाँ पे Vin कनेक्टेड था, ये Vout कनेक्टेड था, यहाँ पे जो Re की वैल्यू है वो Re by N थी. आप कुछ नहीं करना, आप बस नोडल एनालिसिस लगाना है और आंसर आ जाएगा. तो देखो मैं यहाँ पे नोडल लगाता हूँ वी नोट पे. देखो क्या आएगा, वी नो, देखो ये जीरो है, ये जीरो यहाँ पे आ गया होगा, ये सारी जगह ये जीरो आ गया होगा. सो वी नोट अपॉन आर ई, वी नोट अपॉन आर ई, तो वी नोट अपॉन आर ई एन टाइम्स आएगा ना, क्योंकि एन ट्रांजिस्टर लगे थे. एन इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा आई ई. ठीक है, एक यहाँ पे लगा देता हूँ, वी नोट अपॉन, सॉरी वी इन अपॉन आर ई डैश इक्वल्स टू अल्फा आई ई, है ना. तो यहाँ पे आर ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ई बाई एन इक्वल्स टू अल्फा आई ई. सो सॉरी ये आई आएगा, सो एन वी आई बाई आर ई इक्वल्स टू अल्फा आई ई की वैल्यू मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ, माइनस एन वी नोट बाई आर ई. तो यहाँ से V नोट बाई वी आई की वैल्यू आई माइनस वन. सो ये आंसर है. तो देखो यहाँ पे कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एन एन लगे हैं, दो लगे होते, तीन लगे होते, हमेशा इसका आंसर माइनस वन ही आएगा, क्योंकि जो आर ई की वैल्यू है वो वहाँ से चेंज होती है. दूसरी बात देखो, ऐसा बनाने की नीड नहीं थी आपको. आपने देखा कि हम इस वाले ट्रांजिस्टर को देखो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को अपने आर ई से रिप्लेस कर सकते हैं, केवल आर ई से रिप्लेस कर सकते हैं एक रजिस्टर से. तो यही वाला रजिस्टर आउटपुट में आता आपका आर ई आर ई. और ऐसे एन आर ई थे तो उनका सबका पैरेलल आर ई बाई एन आ जाता, फिर यहाँ से सीधा आपने एक नोडल लगाने से ही आंसर आ जाता अपना. तो ऐसा सर्किट बनाने की नीड नहीं पड़ती, लेकिन ये समझाने के लिए तो ये याद भी रख सकते हैं कि इसका जो स्मॉल सिग्नल मॉडल होता है वो सिंपली एक रजिस्टेंस होता है, और आर नोट अगर ऐड होता तो वो पैरेलल में आ जाता. और सो ओके,
So if you dislike the video, please leave a suggestion for me so that I can improve. Thank you. हाँ, और इसमें कि स्मॉल एरर हो गया था कि यहाँ पे आई ई डैश आएगा, क्योंकि ए सी एमीटर करंट की वैल्यू तो डिफरेंट होगी ना आई ई से. मेरे को ये वाली वैल्यू लिखनी थी एल्फा आई ई डैश, ना कि ये वाली एल्फा आई. बस मैंने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी थी. ठीक है,